हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 6। इससे पहले मैं 5 एपिसोड्स पब्लिश कर चुका हूँ एबल्टन लाइव सीरीज के लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप बाकी के ट्यूटोरियल जो हैं वो देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यू सॉन्ग जो मेरा अभी आज ही लॉन्च हुआ है जिसका नाम है फेक, इट्स एन EDM सॉन्ग, तो अगर आप एक EDM लवर हैं आप इसको प्लीज़ सुनिए और मुझे अपना फीडबैक बताइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू यहाँ पर भी प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वापस आते हैं हमने वीडियो पर। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में। नाउ मैं रिकॉर्डिंग की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना इटसेल्फ इज़ अ बिग एंड टीडियस प्रोसेस। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि डॉ के अंदर, एबल्टन लाइव के अंदर, आप अगर एक मिडी के थ्रू रिकॉर्ड करना चाहते हैं लाइव, या अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिंगिंग हो सकती है या वॉइस ओवर हो सकता है जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स पहले ध्यान में रखनी होंगी जो कि मैं आपको क्विकली बताने वाला हूँ। नाउ आप अपना एबल्टन लाइव ओपन करेंगे, उसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, यहाँ से हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर हम आएंगे ऑडियो के अंदर। नाउ ऑडियो के अंदर आप जाएंगे तो पहली जो ड्रॉप डाउन है वो है ड्राइवर टाइप। नाउ यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो MME डायरेक्ट टैक्स, ये विंडोज़ का ड्राइवर है। अगर आपके पास विंडोज़ का PC है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो साउंड ड्राइवर है वो ये होता है, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। मैं इस समय इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड ड्राइवर जो है वो ASIO का है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, तो मैं विंडोज़ वाला यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा है ऑडियो इनपुट डिवाइस। नाउ जो मेरा माइक है, मेरे पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन कनेक्टेड है, उसके लिए मैं यहाँ पर, मेरे पास ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन आएंगे, एक DX और एक वेव। दोनों ऑप्शन प्रीटी मच सेम है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ DX वाला ऑप्शन क्योंकि ये थोड़ा सूदिंग है, इसकी वॉइस जो है मुझे क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है कम्पेयर टू वेव। नीचे वाला जो ऑप्शन है ऑडियो डिवाइस आउटपुट, उसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाएगा। ना वो आउटपुट आपका आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्पीकर्स में हो सकता है, आपके हेडफोन्स में हो सकता है, या आपने किसी भी टाइप के स्टीरियो अगर स्पीकर्स कनेक्ट किए हुए हैं तो आप वहाँ पर आउटपुट उसका ले सकते हैं। मेरा जो आउटपुट है मेरे हेडफोन्स में जा रहा है क्योंकि मैं ऑडियो इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड हूँ। नीचे हम आएंगे इसका जो सैम्पल रेट है, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली जो हम सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं वो 41,000 जो है सैम्पल रेट से शुरू होता है। दिस इज़ द एवरेज क्वालिटी जो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग और कहीं भी आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमेशा प्रेफर्ड की जाती है। इससे ऊपर जब आप जाएंगे 48,000 पे या यहाँ पर 88,200 या 96,000 पे जाएंगे तो आपका जो फाइल का साइज़ है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। ऑफकोर्स आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी पर आपका फाइल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और अगर उस हैवी साइज़ पर आप अगर उसे कंप्रेस करेंगे, क्योंकि आप यू कैन नॉट अपलोड 300 MB ऑफ सॉन्ग ऑन YouTube और या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है, तो फिर एक बार आपकी क्वालिटी अच्छी आपने एक्सपोर्ट की देन आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, सो इट डजेंट मैटर राइट। तो आपको शुरू में ही कुछ ऐसा एवरेज लेके चलना है जो कि आपका जो आपकी जो वॉइस है उसको भी सूटेबल रहे और आपका साइज भी जो है फाइल का वो एकदम ठीक आए। तो मैं प्रेफर करता हूँ 48,000। ये हाई क्वालिटी का है, आप इसको हमेशा हाई जो क्वालिटी पर ही रखिए, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। नीचे वाली सेटिंग्स को हमने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जब भी हम वॉइस की रिकॉर्डिंग करते हैं हम करते हैं ऑडियो ट्रैक के ऊपर, जैसा कि मैं आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। नाउ मैं टैब प्रेस करूँगा और जाऊँगा इसके अरेंजमेंट व्यू के अंदर। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग के लिए अभी, बट उससे पहले मुझे एक दो चीज़ें हैं जो बतानी है आपको। पहली चीज़ ये है कि आपका जो यहाँ पर काउंट इन है, आप मेट्रोनोम पर जाइए, काउंट इन टाइम है जो 1 बार रखी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, ये वाला बटन रिकॉर्ड का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 1 बार का जो है वो काउंट इन टाइम मिलेगा। मतलब आप गाना शुरू करने से पहले 4 काउंट करें, उसके बाद आप शुरू करें। इस बीच में आप थोड़ी सी प्रिपरेशन या अगर आप एकदम तैयार नहीं हैं तो आपको वो थोड़ा सा टाइम मिलता है यहाँ से यहाँ तक का। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 2 बार्स 4 बार्स, जैसी आपकी मर्जी।
अगर आप इसको नन कर देंगे तो जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे आप इमिडिएटली रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे और उस केस में आप कुछ चीज़ें जो हैं हो सकता है कि आप प्रिपेयर ना हो या मिस कर दें। सो इसको हमेशा एक बार पर रखिए, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में देखिए कि रिकॉर्ड का जो बटन है। अब आप कहेंगे कि तो एक रिकॉर्ड ऊपर भी है तो ये रिकॉर्ड किस लिए? नाउ ये जो रिकॉर्ड बटन है ये है पूरे मेरे सेशन का। मान लीजिए आपने एक पूरा इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर बनाया हुआ है, आपने 50 ट्रैक लगाए हुए हैं, तो जब आप इस रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सब चीज़ रिकॉर्ड होगी। हालांकि जब आप सिर्फ इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर रिकॉर्ड पर, तो आपका सिर्फ इस ट्रैक के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है, तो इसको इनेबल करना बिल्कुल ना भूलिए। इसे हम बोलते हैं कि आर्म्ड फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने इसको इनेबल कर लिया। नाउ मैं बिल्कुल रेडी हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ मैं एक सिंगर तो नहीं हूँ जैसा कि आप लोग अब तक जान गए होंगे, पर मैं आपको जो है थोड़ा सा एक कुछ चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक डेमो मिले। तो चलिए करते हैं रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करूँगा। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजू रुण गे, हाय अखियां जो हंजू रुण गे, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा, रांझड़ा ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा, रांझड़ा ना आया। तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कुछ कोशिश की है, हालांकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इस तरह से आप एक ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग शुरू होती है। नाउ पोस्ट प्रोसेसिंग का जो वीडियो है मैं इस सीरीज़ के अंदर बनाऊंगा बिल्कुल, पर आज नहीं, क्योंकि आज ये वीडियो जो है वो स्पेशली सिर्फ रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसके लिए है, डेडिकेटेड वीडियो एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग कैसे होती है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि कवर सॉन्ग कैसे बनाना है, वो सब मैं कवर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो ये हो गई हमारे सॉन्ग की बात, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है एक मिडी रिकॉर्ड। लाइक अब आपने इस सॉन्ग तो रिकॉर्ड कर लिया, अब आप इसके ऊपर कॉर्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? नाउ कॉर्ड्स के लिए आप सबसे पहले आपका इसका जो ट्रैक है ये भी रिकॉर्ड फॉर आर्म्ड होना चाहिए। ये मैंने रिकॉर्ड फॉर आर्म कर दिया। नाउ आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड पर कुछ भी प्रेस करूंगा अपने मिडी कीबोर्ड पर, तो यहाँ पर इनपुट आ रहा है। अगर ये ऑफ होता तो ये नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर करना है। नाउ इसके ऊपर आपको कोई भी प्लगइन जो है वो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ साइलेंट वन ट्राई करते हैं यहाँ पर। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। ठीक है, तो एक डेमो देने के लिए आई थिंक ये साउंड ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मिडी क्लिप क्रिएट करनी पड़ेगी, एक बार की या दो बार की वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो एक मिडी ट्रैक खुल जाएगा आपके सामने। नाउ ये इसका पियानो रोल है। नाउ दो तरीके हैं, या तो आप ड्रॉ करके कुछ भी यहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं नॉर्मली अपने वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ, बट अगर आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करेंगे? नाउ इसको सबसे पहले आपको करना है लूप, और उसके बाद ये रिकॉर्ड फॉर आर्म है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है और आप कुछ प्ले करेंगे तो आपका लाइव रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की नॉर्मली ऐसे ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मिडी डेटा है वो आ गया है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूंगा और इसको एक बार सुनते हैं। नाउ ये एकदम मेट्रोनोम पर नहीं है, क्योंकि मैंने मेट्रोनोम के साथ इसको रिकॉर्ड नहीं किया है जैसा कि आपने सुना होगा, पर ये एक तरीका है जिस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ एक बार आपका रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको क्वांटाइज कर सकते हैं, आप इनकी लेंथ छोटी बड़ी जो भी करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, सो एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं एक ऑडियो और एक मिडी डिवाइस से लाइव इन एबल्टन लाइव। तो ये था एपिसोड नंबर 6 इस सीरीज का।
अगले एपिसोड में बात करूंगा एक नए फीचर के बारे में, और जिन लोगों ने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर देखें ताकि आप इस सीरीज में मेरे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक थम्स अप जरूर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय।